हत्या के प्रयास के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है एसपी से शिकायत। खबर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आ रही है, जहां आज एक परिवार ने अपने ऊपर हुए प्राणघातक हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस द्वारा आरोपियों को खुला संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज है, परंतु पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए भीमलाठ गाँव के मोहन सिंह यादव ने बताया है कि उसके परिवार के ऊपर आरोपी लवकुश हागिम धर्मवीर रामा रानी ने जानलेवा हमला बोल दिया है, जिससे वह औश्र उसकी पत्नी सिया यादव मरणासन्न हालत में थे। वह बीते 15 दिन तक मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत के बीच जंग करते रहे। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला तो दर्ज कर लिया, परंतु उसके बाद से ये आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं। ये पीड़ित परिवार को लगातार धमका रहे हैं कि अगर इस मामले की शिकायत वापस नहीं ली तो वह पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गजानंद यादव। कहाँ से आए हो? भीमलाठ से। आज एसपी साहब के पास आए थे, किस घटनाओं के लिए आए थे? आवेदन देने आए थे। किस विषय पर आवेदन देने आए? हमारे मतलब चाचा ने मारे, हाकिम यादव उनके लड़के ने मारे थे। किस बात को लेके? तार को लेके मारे, घर में तार डाल रहे थे बीड़ी के उसके ऊपर। क्या मामला था पूरा? मामला ये था, बीड़ी के तार डाल रहे थे उसके मतलब खैबर सुनो थी, उसके बाद हम पीछे कुल्हाड़ी मार दिया धोखे से। किसने मारी कुल्हाड़ी? कितने लोगों को मारे? मेरे पिताजी मोहन सिंह यादव, मेरी पत्नी सिया यादव, मेरा नाम है। अच्छा, तो वो कितने लोग थे इन्हें मारी है? वो 5 लोग थे। फिर आपने इसकी शिकायत वगैरह की होगी कहीं? तो वहाँ से कार्रवाई? वहाँ से कार्रवाई कर फिर पहले भी आवेदन लगाया एसपी साहब के यहाँ लगाया, कोई गिरफ्तार नहीं हुई। यहाँ पर कितनी बार आवेदन दे चुके आप? 27 तारीख में एक बार, दूसरी बार दे रहे हैं। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है, क्या चाहते हो आप? हम जो चाहते हैं आरोपियों को गिरफ्तार करें। हम अभी छुट्टी हो गई है, हम मतलब अपने घर पे रहे, धमकी दे रहे हैं हमें मार लेगी, क्या मतलब तुम मार राजीनामा करो या नहीं तो तुम्हें जान से मारेंगे। आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। किस घटना को लेकर मारपीट हुई आपके साथ? एक तार के पीछे साहब। तार कैसा? के हमारा तार डरा वो कर मैं डालूंगा इसमें दे बिजली। मोड़ा ने मैंने करी सो लड़ी है लेकिन आगे। तार किसका था? हमारा। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई आपकी? हम 3 लोग मारे हैं। मतलब कहाँ कहाँ मारे हैं? हम 3 लोग जे मारे हैं साहब, देखो जे कबार पूरे हैं, जो कुलाई जड़ी हैं, जे चप्पल दे जे मुला जी, देखो। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है साहब।